Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मामर अंसारी आप सभी लोगों का शाहरुख खान की फिल्म पठान के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? फ्रेंड्स, एपिसोड आगे बढ़ाने से पहले कुछ चीजें जो आपको बोलना चाहता हूँ। पठान बिगिंस नाउ, आशा करता हूँ जब ये किताब समाप्त हो, यानी कि पठान का बॉक्स ऑफिस समाप्त हो, एटलीस्ट इंडिया में 300 करोड़ का नेट एंड इसका ग्रॉस मिलाकर ओवरसीज भी मिलाकर ये किताब 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड पर समाप्त हो, उम्मीद है इसी तरह से है। इसी के साथ आज का जो पहला पन्ना है इस किताब का पठान के नाम से शुरू हो रहा है। गाइस, दिस फिल्म नीड्स टू वर्क, सीरियसली बहुत उम्मीद है, स्पेशली पर्सनली मुझे बहुत उम्मीद है इस फिल्म से कि फिल्म को जरूर बॉक्स ऑफिस पर धमाका करना है। तो ये एपिसोड याद रखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। 300 करोड़ इंडिया नेट एंड पूरा इंडिया ग्रॉस प्लस ओवरसीज मिलाकर 500 करोड़, ये जब किताब बंद हो तब इसे डेफिनेटली करना चाहिए। ओके, चलिए एपिसोड आगे बढ़ाते हैं। सो गाइज, बात करते हैं सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। तो गाइज, यूएसए में अभी फिलहाल 977 शोज है पठान के लिए। ओके, 1000 से थोड़े कम है। अब जैसे वॉल्टर वीरैया हो गई हो, वारिसु हो, वारिसुडु हो, तुनिवु हो, या फिर नरसिम्हा रेड्डी हो, जितनी भी फिल्में हैं अभी रिलीज हुई है, ये सारी की सारी फिल्में जब इनके रन जो है ये वीकेंड पे खत्म होगी, उसके बाद और शोज जो है अलॉट होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि गाइस, दीज आर मेन फेस्टिव पीरियड्स, यानी चारों फिल्में, चाहे बालिया की फिल्म हो, चिरंजीवी, तलाजी, तलपति विजय, इनकी फिल्में ओवरसीज में बाप लेवल कलेक्शंस करती है। एंड गाइस, जैसे मंडे स्टार्ट होगा पठान के शोज बढ़ते जाएंगे, उसके बाद असली पावर शुरू होगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ 977 शोज में इन 295 लोकेशंस में पठान ने अभी से 2.12 करोड़ रुपीस, यस फ्रेंड्स, 2.12 करोड़ का एडवांस बुकिंग यूएसए में हुआ है। हमने देखा इस साल बड़ी सी बड़ी फिल्में इंडिया में पहले दिन एडवांस बुकिंग 2 करोड़ का नहीं करती है, पठान ने 2.12 करोड़ का यूएसए का बिजनेस कर दिया है। एंड इसी तरह से चला, देन गाइस, इसका वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ जाने का सपना जो है वो डेफिनेटली साकार होगा। हु नोज, ओवरसीज विल गो कम्प्लीटली क्रेजी। अब गाइस, सबसे बड़ी बात है जो हमको यहाँ दिमाग में रखनी है कि पठान इज अ वेडनेसडे रिलीज, इट्स अ नॉन हॉलीडे रिलीज, इट्स अ मिड वीक रिलीज। ओके, तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमको ओवरसीज जो है वो यहाँ पर देखना होगा। तो ये केवल यूएसए कलेक्शन है, इसमें कैनेडा इंक्लूड नहीं है। तो कैनेडा जब आएगा तो हम नॉर्थ अमेरिका आपके सामने जो है वो लाकर रखेंगे। अब गाइस, बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी की एडवांस बुकिंग सबसे पहले शुरू हुई थी, बहुत शोर शराबे से शुरू हुई थी, इस पर हमने वीडियो भी बनाया था। एंड वहां पर जो कमाई है वो है 1.27 करोड़ की। तो 1.27 करोड़ जर्मनी से अब तक आ चुका है। एंड गाइस, बात करो ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में 42 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। ऑस्ट्रेलिया में इतनी जबरदस्त एडवांस बुकिंग हमने देखा होगा, हम पहले भी एपिसोड जब बनाते थे तो ऑस्ट्रेलिया की कलेक्शन बड़ी बड़ी फिल्में जो है डे वन 45 लाख, 50 लाख, मैसिव, ब्रिलियंट, या एडवांस बुकिंग 42 लाख रुपीस की है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब गाइस, बहुत सारी जो ऑडियंस रहेगी उन लोगों को लग रहा होगा हाँ, उनका फेवरेट डायलॉग बोलेंगे अरे वाह, ये कलेक्शन ओवरसीज में सब फेक कलेक्शन आता है। जरूरी नहीं कि अगर आपका स्टार ओवरसीज में पैसा नहीं कमाता हो उसका मतलब ये है। लाल सिंह चड्ढा के साथ ये प्रॉब्लम मैंने बहुत फेस की थी, हाँ, जबकि वो फिल्म ऑफिशियली ऑर्गेनिकली ओवरसीज फाड़ रही थी, सिर्फ लाल सिंह चड्ढा ही नहीं बल्कि 83 भी। तो सम पीपल आर अनअवेयर ऑफ द ओवरसीज मार्केट। लेकिन अब ये फिल्म जो है पठान के बाद, ये ब्रह्मास्त्र थोड़ी मैसिव बिजनेस, विक्रम ने पागल बिजनेस किया था, पोनियन सेल्वन ने मैड बिजनेस किया था, RRR ने, लेकिन विद पठान कमिंग इन द हिंदी ऑडियंसेस हु फॉरगॉट कि ओवरसीज मार्केट भी एक बाप लेवल का मार्केट है, उनको वापस से याददाश्त जो है उनकी ताजा हो जाएगी। ये नए लोग हैं जो अभी अभी यू नो बॉक्स ऑफिस फॉलो करना सीखे, जिनको नहीं पता कि ओवरसीज मार्केट किस तरह से होता है, शाहरुख खान की फिल्म पठान से आपको अंदाजा हो जाएगा। एंड इसी के साथ अभी 10 से 11 दिन बचे फिल्म की रिलीज को, इस फिल्म ने 3.81 करोड़ की कमाई की है, यानी कि लगभग वी आर नियरिंग एन हाफ अ मिलियन। ये तो सिर्फ रिपोर्टेड एरियाज है, मैंने सिर्फ आपको यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया बताया हूँ, और बहुत सारे सेंटर्स यहाँ पे इसकी एडवांस बुकिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। उन सबको मिला लूँ तो डेफिनेटली 4-4.5 करोड़ के ऊपर की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। दीज आर मैड नंबर्स, पीपल हु अंडरस्टैंड ट्रेड, हु नो अबाउट बॉक्स ऑफिस नंबर्स विल वाउच फॉर दिस फिल्म सक्सेस इन द ओवरसीज मार्केट। एंड गाइस, बात करो अब तो डे वन ओवरसीज एपिसोड है, इसलिए ओवरसीज प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। यहाँ पे नॉन हॉलीडे मिड वीक को मद्देनजर रखते हुए ये फिल्म पहले दिन $3 मिलियन कमाने की क्षमता जो रखती है, यानी कि इंडियन रुपए में 28 करोड़ रुपया
पठान केवल पहले दिन ओवरसीज मार्केट से कमाएगा। इंडिया का प्रेडिक्शन बहुत जल्दी लेके आऊंगा। लेट द एडवांस बुकिंग इन इंडिया बिगिन, एंड जैसे मंडे खत्म होगा आई थिंक ट्यूजडे से वायर एफ विल स्टार्ट द एडवांस बुकिंग इन इंडिया। जो शोकेसिंग रहेगी इन लोग की, एक्स्ट्रा शोज, एक्स्ट्रा यू नो जो रहता है ना फेस्टिव पीरियड का, वो खत्म हो जाएगा। कुत्ते ऑलमोस्ट वैनिश हो जाएगी तब तक। तो कुत्ते के वैनिश होने के बाद यहाँ पर पठान के शोज जो है ऑटोमेटिकली जो है ऐड हो जाएंगे। एक ही फिल्म है, अखंडा का हिंदी वर्जन है। आई डोंट थिंक अखंडा का हिंदी वर्जन या पठान को कोई भी दिक्कत देने वाला है। पठान इज एन इवेंट फिल्म, वो एक अपने लीग में है। एंड गाइस वायरफ का गुडविल इतना है, वायरफ छोड़ दीजिए, पठान का गुडविल इतना है कि पठान आ रहा है और इतनी बड़ी दावत लेके आ रहा है, तो डेफिनेटली शोज जो है यहाँ पर थिएटर ओनर्स खुशी खुशी इतना देंगे कि यू कैनॉट इमेजिन गाइस। अब देखने लायक ये रहेगा गाइस, दो तीन चीजें हैं जो आपको बताना चाहता हूँ। पठान का एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या मिलने वाला है यहाँ पर, देखिए हमने देखा किस तरह से KGF चैप्टर 2 में हुआ, ये बहुत सारी हिंदी फिल्मों में भी हुआ, आई थिंक दृश्यम के टाइम पर भी हुआ था। यहाँ पर मुंबई में ये अभी नया फैशन चल रहा है, सुबह 12 बजे का शो, तो मुझे फ्राइडे का नहीं पता कि यू नो जो प्रोडक्शन हाउस वो अलाउ करेगी या नहीं करेगी। लेकिन अगर पठान क्लिक्स रियल बिग, रियल ह्यूज, कैपेसिटी इश्यूज, यानी कि शोज है वो कम पड़ते हैं कैपेसिटी इश्यूज होने के कारणवश, मल्टीप्लेक्सेस आजकल मुंबई में स्पेशली हाई एंड मल्टीप्लेक्स जैसे कि फिनिक्स हो गया हो, पलेडियम मॉल वाला 12 AM एंड 12:30 AM के शोज भी ऐड करते हैं इन मुंबई, दिस इज पॉसिबल। एंड उसके बाद डायरेक्टली सुबह के भी 4 बजे के, 5 बजे के 24 आवर्स शोज चलते हैं। इफ पठान मैनेजेस दैट, स्काई इज द लिमिट। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे you will witness a new record, and this will be made by none other than King Khan, Shahrukh Khan. This is going to be Shahrukh Khan's highest grossing film of his career. वो चेन्नई एक्सप्रेस बीट करने वाले इस फिल्म से। उम्मीदों पे दुनिया कायम है, पठान अभी जिंदा है, as always say.